सतना जिले में उल्टी दस्त से तीन की मौत, तीन की हालत गंभीर, खाद्य संकट की आशंका। नमस्कार, मैं हूं अंजना, द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सतना जिले में उल्टी दस्त से दो बच्चों सहित तीन की मौत हो गई है। इसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की जान गई है, जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत सिद्धपुरा की कौलान बस्ती में उल्टी दस्त के कारण शनिवार को एक वृद्धा और दो बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में झली कौल उम्र 70 वर्ष, आरती कौल उम्र 3 वर्ष और धनराज उम्र 18 माह शामिल हैं। इसके अलावा इसी बस्ती जुगनू उम्र 35 वर्ष, बेटी चुनकू उम्र 12 वर्ष और वर्षा कौल उम्र 14 वर्ष की हालत गंभीर है। सिद्धपुरा की कौलान बस्ती में बीमारी फैलने की आशंका और मौतों की खबरें मिलने पर नागौत बीएमओ टीम के साथ शनिवार को वहां पहुंचे। मेडिकल टीम की मदद से बीमारों को अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया, जबकि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। बीएमओ नागौत प्रमोद प्रजापति ने बताया कि शनिवार की सुबह सुपरवाइजर रवि गौतम ने सिद्धपुरा कौलान बस्ती में लोगों के बीमार होने की सूचना दी थी। मेडिकल टीम के साथ वहां पहुंचने पर पता चला कि तीन लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि तीन बीमार थे। बीएमओ ने बताया कि मृतक व बीमार सभी लोग एक ही परिवार से संबंधित हैं। आशंका यह भी है कि उनकी मौत और हालत बिगड़ने की वजह फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। सबों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मौत की असल वजह पता लगा सके। हालांकि बस्ती में एहतियात के तौर पर चेकअप और दवाओं का वितरण कराने की व्यवस्था भी कर दी गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।